हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। चलो अच्छा, आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 16 पर्सन्स, ये आपके 16 पर्सन है। नाम की जगह नंबर्स लगा दिए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आर सिटिंग अराउंड टू सर्कुलर टेबल। ये कैसे बैठे हैं? दो सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। देयर इज अ स्मॉल सर्कुलर टेबल इन साइड द बिगर सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, स्मॉल सर्कुलर टेबल जो है वो इन साइड है बिगर सर्कुलर टेबल के। फिर यहाँ पे कह रहे हैं द पर्सन सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल फेसेस आउटसाइड एंड द पर्सन सिटिंग अराउंड द आउटर सर्कुलर टेबल फेसेस इनसाइड। तो जो भी आपका यहाँ पे इनर वाला सर्कल सर्कल है, इसके जो पर्सन बैठेंगे वो कैसे देखेंगे? बाहर की ओर। और जो आउटसाइड वाला पर्सन है, सॉरी, जो आपका बिगर सर्कल है वो कैसा फेस करेगा? बिगर सर्कल में जो पर्सन बैठेंगे वो फेस करेंगे आपका इनसाइड, यानी कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन सच अ वे पर्सन सिटिंग ऑन बोथ टेबल फेसिंग ईच अदर, ये इस तरीके से बैठेंगे कि एक दूसरे को फेस करें। ठीक है, दोनों टेबल पर एक दूसरे को फेस करें। अब आप देखो इस लाइन से इसका क्या मतलब निकाल सकते हो कि आपके 8 अंदर बैठेंगे 8 बाहर बैठेंगे, दोनों 8 8 बैठेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये लोग फेस करते हुए बैठेंगे तो यहाँ पे इक्वल नंबर आएगा। ठीक, मान लीजिए अगर आप 9 को बाहर बैठाते हो और 7 को अंदर बैठाते हो तो जो एक एक्स्ट्रा होगा वो किसको फेस करेगा? वो किसी को भी फेस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑन बोथ टेबल फेसिंग ईच अदर, दोनों जो है टेबल पे बैठेंगे वो एक दूसरे को फेस करते हुए बैठेंगे। ओके, तो यहां पर 8 अंदर आएंगे और 8 बाहर की ओर आएंगे। चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। उससे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूं। डायग्राम में जानकर बनाती हूँ खुद ही पेन से, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सा डायग्राम जो है वो किस पजल के लिए इजी रहता है। ठीक, तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे कही गई है 3 sits to the immediate right of 6। 3 जो है वो कैसे बैठा है? इमीजिएट राइट बैठा है 6 के। तो 3 जो है वो इमीजिएट राइट बैठा है 6 के। इसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये बाहर की ओर बैठेगा या अंदर की ओर बैठेगा, इसलिए हम अभी इसे ऐसे लिख लेंगे। आगे कह रहे हैं ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 3 and 7 हु फेसेस 11। तो 3 and 7 के बीच में 2 पर्सन का गैप आएगा। एंड 7 के बारे में गिवन है कि 7 जो है वो 11 को फेस करेगा, यानी कि 7 जो है वो 11 के अपोजिट बैठेगा। ओके, फिर आगे ये जो लाइन कही गई है 7 and 11 सिट ऑन डिफरेंट टेबल्स, तो ये तो मतलब समझने वाली बात है कि अगर 7 वाला जो पर्सन है या 7 जो है वो 11 को फेस करेगा, यानी कि दोनों अलग अलग टेबल पे बैठेंगे। ठीक, देन आगे कहा गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन 2 and 9। तो 2 और 9 के बीच में आपके 2 पर्सन आएंगे। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 4 and 6। 4 and 6 के बीच में आपके कितने पर्सन आएंगे? 4 पर्सन आएंगे। ठीक, देन आगे कह रहे हैं यहाँ पे 8 sits to the immediate left of 7 and faces 13। 8 जो है वो 7 के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा एंड किसको फेस करेगा? 13 को फेस करेगा। तो 8 जो है वो यहाँ पे 13 को फेस करेगा, राइट। देन 6 हु फेसेस 12 फेसेस आउटसाइड। तो 6 जो कि किसको फेस कर रहा है? 12 को फेस कर रहा है। वो कैसे फेसेस आउटसाइड, वो कैसे फेस कर रहा है? आउटसाइड फेस कर रहा है, यानी कि 6 आपका आउटसाइड फेस करेगा। आउटसाइड फेस करेगा यानी कि ये अंदर वाले सर्कल में बैठेगा। ठीक, और इसी से आपके रिलेटेड सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यानी कि क्वेश्चन अब जल्दी से बन जाएगा। उससे पहले हम लोग ये बाकी की लाइन भी पढ़ लेते हैं। ठीक, क्योंकि 2 ही लाइन बची है। आगे कह रहे हैं 1 faces 3, 1 जो है वो 3 को फेस करेगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। देन गिवन है द 1 who faces 5 sits exactly between 10 and 16 who faces 9। तो वो पर्सन जो कि 5 है ये एग्जैक्टली बीच में है 10 और 16 के, और 16 जो है वो 9 वाले पर्सन को फेस कर रहा है। ठीक, एंड एक बात और, एग्जैक्टली है तो एग्जैक्टली का मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में एक का भी गैप नहीं आएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा। एक का गैप अगर 16 और 5 के बीच में है तो एक का गैप 10 और 5 के बीच में रहेगा, यानी कि इक्वल गैप रहेगा। फिर कह रहे हैं 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 11 and 14। 11 and 14 के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन आएंगे। ठीक, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन 1 and 5। तो 14 जो है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा 1 and 5 के। ठीक, एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली। ओके, अब हम इसको सेट करते हैं। 6 से पिक करेंगे बिकॉज 6 के बारे में पता चल गया है कि 6 जो है वो आउटसाइड फेस करेगा। तो 6 को कहीं भी बैठा लो। ओके, मैं यहाँ बैठा लेती हूँ 6 को। ठीक,
सिक्स को यहाँ बैठा ला, इसके इमीडिएट राइट में थ्री आएगा, तो थ्री इसके इमीडिएट राइट में आ गया, बाहर की तरफ फेस करें, थ्री यहाँ पर आ गया, थ्री के सामने वन आएगा, वन यहाँ पर आ गया, इसे आप हटा दोगे। फिर थ्री एंड सेवन में दो का गैप आएगा, सो थ्री एंड सेवन में दो का गैप आएगा, सो फर्स्ट कंडीशन में अगर इसकी राइट में जाओगे तो वन एंड टू सेवन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक कंडीशन जो है वो और बन सकती है कि सेवन जो है वो इसकी लेफ्ट में दो का गैप देकर जाए, ठीक। तो अगर दो का गैप इसकी लेफ्ट में दोगे तो सेवन यहाँ पर आएगा, ओके, इसको आप हटा दोगे। सेवन एंड इलेवन के बीच में आपके कितने का गैप रहेगा, सॉरी सेवन के अपोजिट आपका इलेवन आएगा, तो सेवन के अपोजिट आपका इलेवन आएगा, तो इसको हम लिख देंगे इलेवन, एंड यहां पर भी हम लिख देंगे इलेवन, ओके। फिर आगे कह रहे हैं 11 एंड 14 के बारे में कि 11 एंड 14 के बीच में यहाँ पे कितने का गैप होगा, 1, 2, 3 का गैप होगा, सो 11 एंड 14 के बीच में यहाँ पे 3 का गैप होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन 11 एंड 14, तो 11 एंड 14 के बीच में 3 का गैप होगा, तो 1, 2, 3 का गैप दोगे तो 14 यहाँ पर आएगा, 1, 2, 3 का गैप दोगे तब भी 14 यहाँ पर आएगा, मतलब लेफ्ट में लो चाहे राइट में लो, 14 जो है वो 11 के सामने वाली सीट पर आएगा, ठीक है, जो आपका बड़ा बड़ा वाला सर्कल है उसी में, तो 14 यहाँ पर हम दे देंगे, इसे हटा देंगे। 7 के अपोजिट 11 आएगा, ये हो चुका है। 2 और 9 में 2 का फर्क आएगा, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। इसके अलावा गिवन है 4 एंड 6 में 4 का गैप आएगा, सो 4 एंड 6 में 4 का गैप आएगा, तो इसको अगर आप देखते हो यहाँ पे इन फर्स्ट डायग्राम, तो 4 का गैप जो है वो आप कैसे दे सकते हो, इसके राइट साइड में जाके भी दे सकते हो, लेफ्ट में जाके भी दे सकते हो, तो अगर राइट में जाते हो तो 1, 2, 3, 4 का गैप करके आपका 4 यहाँ पर आएगा, एंड अगर लेफ्ट में जाते हो तो 1, 2, 3, 4 का गैप करके आपका 4 यहाँ पर आएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं। इस वाली कंडीशन की बात करते हो तो इसमें भी आपका 1, 2, 3, 4 का गैप करके आपका 4 यहाँ पर आएगा, एंड 1, 2, 3, 4 का गैप करके आपका 4 यहाँ पर आएगा, तो अगेन पॉसिबिलिटी है, स्किप कर दो। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि 6 जो है वो अपोजिट देखेगा प्लस उसके अपोजिट 12 आएगा। इस डायग्राम में आप देखो 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, इसलिए ये यहाँ से कट हो जाएगा, आपका 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इसको आप हटा देंगे। इसको हटाने के बाद फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि 7 की लेफ्ट में 8 आएगा, 7 की लेफ्ट में 8 आएगा, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, एंड 13 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 8 के अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक, इसको आप हटा दोगे। और उसके अलावा 2 और 9 तो अभी फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा 2 और 9 में से कुछ भी फिक्स नहीं है। अच्छा, 4 और 6 की अब अगर आप बात करो, तो अगर इसके राइट में चलते हो, 6 की राइट में अगर आप चलते हो, तो 1, 2, 3, 4 का गैप दोगे तो 4 यहाँ पर आना चाहिए जहां पर 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे 8 फिक्स है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड से आप 4 काउंट करोगे, सो 1, 2, 3, 4 काउंट करोगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। एक्चुअली 4 का ही गैप है और 4 ही हमें लिखना है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसे एक बार काउंट करके देखना, पॉज करके आपको समझ आ जाएगा, ओके, आप इसे हटा देंगे। फिर यहां पे ये कहा गया है 10, 5 और 16, 16 के अपोजिट 9 आएगा, ओके। तो 10, 5 और 16 के बारे में ये कहा गया है कि 10 के एग्जैक्टली बीच में, सॉरी 10 और 16 के एग्जैक्टली बीच में 5 आएगा, तो 10 और 16 के एग्जैक्टली बीच में 5 आएगा, उसके अपोजिट 9 आएगा, तो इसको हम छोड़ते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते हैं एक बार, क्योंकि हमारे तीन ही पॉइंट बचे हैं। यहाँ पे ये कहा गया है 1, 14 एंड 5, ठीक है, 14 जो है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा 5 एंड 1 के, तो 1 हमारा फिक्स है, 14 फिक्स है, यानी कि 5 यहाँ पर आएगा, ठीक, ये एक हो गया 14 एग्जैक्टली बीच में 1 एंड 5 के। अब आप इसे हटा दो, अब आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को साथ में लो, ठीक है, दोनों को साथ में लोगे तो अब देखो 1, 2, 3 ये तीनों तो आपका साथ में आएंगे, साथ में आएंगे के मतलब एक ही टेबल पर आएंगे, तो अंदर वाली जो टेबल है क्या उसमें 3 का स्पेस है, 1, 2, 3, यस 3 का स्पेस है, बाहर वाली टेबल में 3 का स्पेस है, 1 एंड 2, सिर्फ 2 ही का ही स्पेस है, तो 2 का ही स्पेस है, यानी कि 10, 5 और 16 ये कहां पर आएंगे, ये आपका अंदर वाली टेबल में आएंगे, ठीक। अब अंदर वाली टेबल में हम कैसे करें कि 10 और 16 के एग्जैक्टली बीच में 5 आ जाए, अगर मैं 5 को यहां पर लिखती हूं तो 10 को यहां पर और 16 को यहां पर, या 16 को यहां पर और 10 को यहां पर लिख सकती हूं, ठीक, क्योंकि 1 और 2 का गैप करोगे तो 5, 1 और 2 का गैप करोगे तो 5, मतलब एग्जैक्टली बीच में आ रहा है आपका 5, ओके। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो और कोई पॉसिबिलिटी अगर आप देखोगे, अगर 5 यहां लिखते हो तो 10, 16 आपको यहां देना पड़ेगा, 10, 16 यहां पर देना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली बीच में 5 नहीं आएगा, एक जगह आपका 1 का गैप होगा, दूसरी जगह आपका 2 से गैप होगा, मतलब यहीं पर आएगा आपका 5, ठीक है। अब 10 और 16 की जो बात करते हैं कि 10 यहां पर आएगा या 16 यहां पर आएगा, वो ऐसे पता चलेगा कि 16 के अपोजिट 9 आएगा, 16 के अपोजिट 9 आएगा, इसलिए आपका जो 16 है वो यहां पर आएगा और 9 यहां पर आएगा, ठीक, बाकी जो 10 बचेगा वो यहां पर आ जाएगा, ओके।
एंड लास्ट आपका गिवन है, दो और नौ में फर्क होगा आपका, दो का गैप होगा, सो वन एंड टू दो का गैप दोगे तो दो आ जाएगा यहाँ पे. ओके तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा. फटाफट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. गिवन है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड फ्रॉम अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. मतलब ऑड वन आउट फाइंड करना है. तो 15, 8, 1, 16, 10, 15, 8, 1, 16, 10 एक आपका ऑड है बिकॉज ये बाहर वाले टेबल में बैठा है. ओके देन 15 को कौन फेस कर रहा है, दो फेस कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट आंसर होगा. हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ 10, 10 के थर्ड टू द राइट में कौन है, सो 1, 2, 3 8 है. सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ 13, 13 का इमीडिएट नेबर कौन है, 13 का इमीडिएट नेबर है 11 और 9. सो 11 और 9 में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा. सो 11 तो नहीं है बट 9 है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा. फिर एग्जैक्टली बीच में कौन है 12 और 9 के, सो 12 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है. इसके एग्जैक्टली बीच में कौन आ रहा है, देखो अगर इसकी आप राइट से चलते हो तो 11 एग्जैक्टली बीच में है, लेफ्ट से चलते हो तो 14 एग्जैक्टली बीच में, यानी कि 11 भी इसका एग्जैक्टली बीच में है और 14 भी है. तो 11 और 14 दोनों आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट. गिवन है 8 पर्संस एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन 2 रोज हैविंग 5 सीट्स इन ईच रो. ठीक है, मतलब दो रो में बैठेंगे और 5 सीट होंगी हर एक रो में. ठीक, अब 5 सीट होंगी तो यानी कि 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, टोटल हो गई 10, यानी कि 2 वैकेंट होंगे क्योंकि पर्सन 8 है. ठीक, इन ईच रो 1 सीट इज वैकेंट, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ आर फेसिंग साउथ. इनमें से कुछ पर्सन जो है वो नॉर्थ देखेंगे, कुछ पर्सन जो है वो कैसे देखेंगे, साउथ देखेंगे. ठीक, मतलब ये जो रो में बैठे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि एक रो नॉर्थ देख रही है एक रो साउथ देख रही है, कुछ इसमें से नॉर्थ देखेंगे और कुछ साउथ देखेंगे. ठीक, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं. गिवन है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में 2 पर्सन है. तो हम यहाँ पे पहले डायग्राम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. अच्छा, अब 2 पर्सन पी और एन के बीच में है तो पॉसिबिलिटी आएगी कि ऊपर भी पी और एन आ सकता है, नीचे भी आ सकता है. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको खाली लिख लेते हैं, पी और एन के बीच में 2 पर्सन आएंगे. ओके देन आगे कह रहे हैं, ओ सिट्स अपोजिट टू पी, ओ जो है वो पी के अपोजिट आएगा. फिर एस सिट्स अपोजिट टू क्यू, एस जो है वो क्यू के अपोजिट आएगा. देन टी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर. तो टी जो है वो उस पर्सन के अपोजिट है जो कि सेकेंड टू द लेफ्ट आएगा, किसके, आर के. फिर आगे कह रहे हैं, आर इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, आर जो है वो एडजेसेंट नहीं है क्यू के. वैकेंट सीट्स आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, वैकेंट सीट्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. वैकेंट को हमेशा हमेशा मैं एक्स से दिखा देती हूँ, अगर आपका एक्स वेरिएबल में गिवन ना हो तो. अगर एक्स वेरिएबल में गिवन है सो आप एट द रेट, हैश या डॉलर कोई भी साइन दिखा सकते हो. वैसे एक्स सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन बढ़िया तभी रहता है जब आपका वेरिएबल में एक्स गिवन ना हो. ओके आगे कह रहे हैं यहाँ पे, एम ओ एंड एस फेस द सेम डायरेक्शन. तो एम ओ और एस ये कैसे बैठेंगे, आपका सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे. ओके देन गिवन है पी एन एंड क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन. पी एन और क्यू ये कैसे देखेंगे, सेम डायरेक्शन देखेंगे. ओके फिर आगे कह रहे हैं, ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ओ जो है वो सेकेंड टू द राइट है किसके, क्यू के. देन टी फेसेस नॉर्थ, टी जो है वो नॉर्थ फेस करेगा. ओ डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ओ जो है वो कैसे नहीं आएगा, एंड पे नहीं आएगा. फिर Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ O, Q जो है वो सेकेंड टू द राइट है किसके, O के, सॉरी. ओके देन Q सिट्स टू द एडजेसेंट लेफ्ट ऑफ T, तो Q जो है वो एडजेसेंट लेफ्ट यानी कि इमीजिएट लेफ्ट है T के. ओके एडजेसेंट लेफ्ट का मतलब हो गया कि T के इमीजिएट लेफ्ट है. चलो अब इसको करना हम स्टार्ट करते हैं. देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी रो वन रो टू के बारे में कुछ नहीं बताया है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बात नहीं करी है कि कौन सी रो नॉर्थ फेस करी है कौन सी साउथ फेस करी है, बस दो रो बताए हैं. तो सीधा सीधा आप किसी भी पर्सन को किसी भी रो में बैठा के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने जो आंसर यहाँ पे करा है वो मतलब आगे जो आंसर रखा गया है उसमें जो आपका पी है उसको मैंने इस वाली रो में बैठा ला, यानी कि यहाँ पर बैठा ला है. ठीक, लेकिन जो मैं सॉल्व करूंगी उसमें मैं पी को ऊपर बैठाऊंगी. ओके तो उसमें पी को ऊपर बैठा रही हूं, इसलिए मैं इसको दिखाऊंगी कि इसका कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो. इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जब आपका मेंशन ना हो कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठेगा और मेंशन ना हो कि कौन सी रो कैसा फेस कर रही है, तब आप किसी भी पर्सन को किसी भी रो में बैठा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके
तो देखते हैं, यहाँ पे मैं P से स्टार्ट करती हूँ, तो P के सामने O आएगा, O एंड पे नहीं आएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि P जो है वो यहाँ पर आए और O यहाँ पर आ जाए, 1 2 का गैप करके N यहाँ पर आ जाए, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो P है वो यहाँ पर आ जाए, 1 2 का गैप करके N यहाँ पर आ जाए, O यहाँ पर आए, ओके। ये होगी पहली पॉसिबिलिटी, इसे हटा देंगे। फिर गिवन है कि क्यू के इमीडिएट राइट में ओ आएगा, और यहीं पे एक पॉइंट और भी था कि ओ के इमीडिएट राइट में क्यू आएगा, ठीक। यानी कि ओ जो है वो इस वाली कंडीशन में साउथ फेस करेगा, फर्स्ट कंडीशन में साउथ फेस करेगा, तो आपका क्यू यहां पर आएगा, ओके। एंड सेकेंड वाली कंडीशन में ये नॉर्थ फेस करेगा, तो क्यू यहां पर आएगा, राइट। प्लस यहाँ पे ये भी कहा गया है क्यू के इमीडिएट राइट में ओ आएगा, तो इन सेकेंड डायग्राम ये कैसे फेस करेगा साउथ, तो इसके सॉरी क्यू के सेकेंड टू द राइट में ओ आएगा, यानी कि ये कैसा फेस करेगा साउथ, तो इसके सेकेंड टू द राइट में ओ आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में कैसा फेस करेगा नॉर्थ, तो इसके सेकेंड टू द राइट में ओ आ जाएगा, ठीक। इसे आप हटा दोगे, इसे हटा दोगे, एस क्यू के अपोजिट आएगा, तो एस यहाँ पर, एस यहाँ पर। टी जो है वो नॉर्थ देखेगा, तो अभी टी के बारे में पता नहीं है, अभी छोड़ दो इसे। इसी से रिलेटेड एन एस पी क्यू ओ से रिलेटेड देखो, तो यहाँ पे एक चीज कही गई है क्यू जो है टी के बारे में, अच्छा टी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू आएगा और टी जो है वो नॉर्थ देखेगा, ठीक। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका जो टी है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तभी ये नॉर्थ देखेगा, तो इमीडिएट इसके लेफ्ट में क्यू आ जाएगा। सेकेंड जो आपका फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें टी यहाँ पर आ जाएगा और इसे नॉर्थ फेस करा देंगे, ठीक। अब हमारा टी फिक्स हो गया। टी से रिलेटेड गिवन है टी के सामने जो पर्सन आएगा वो आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में आएगा, सो टी के सामने जो पर्सन है ये आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में है, यानी कि आर कैसे फेस करेगा आपका नॉर्थ फेस करेगा, ठीक। इस वाली कंडीशन में आप देखोगे तो एन जो है वो आर के सेकेंड टू द लेफ्ट में होगा, तो आर यहाँ पर आएगा, ये कैसा फेस करेगा साउथ फेस करेगा, ओके। इसे आप हटा दोगे। R Q के पास नहीं आएगा, मतलब R और Q एडजेसेंट नहीं होंगे, तो ठीक है ये दोनों तो अलग अलग रो में है तो एडजेसेंट नहीं है। वैकेंट वैकेंट के अपोजिट नहीं आएगा, सो वैकेंट वैकेंट के अपोजिट नहीं आएगा, तो सेकंड वाले डायग्राम में देखो कि यहाँ पे आपको वैकेंट देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वैकेंट देना पड़ रहा है, यानी कि आप दूसरा वैकेंट यहाँ नहीं दोगे और यहाँ नहीं दोगे तो आप दूसरा वैकेंट यहाँ पर दोगे, ठीक। इस वाली कंडीशन में आप एक वैकेंट तो यहाँ पर दोगे, दूसरा वैकेंट या तो यहाँ पर दोगे या फिर यहाँ पर दोगे, ओके। इसको आप हटा दोगे। फिर गिवन है पी एन और क्यू सेम डायरेक्शन में देखेंगे, एम डी एस सेम डायरेक्शन में देखेंगे, तो P, N और Q जो है वो कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे Q जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, यानी कि P भी बाहर दिखेगा, N भी बाहर दिखेगा, ओके। एंड इस वाली कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका Q साउथ देख रहा है, तो P और N दोनों साउथ देखेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं M, O और S सेम डायरेक्शन देखेंगे, सो M, O और S सेम डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि M जो है वो कहाँ आ सकता है, M यहाँ पर भी आ सकता है, M यहाँ पर भी आ सकता है, बिकॉज वैकेंट के बारे में हमें नहीं पता है। इस कंडीशन में M जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक। अब आप देखोगे कि चलिए ये वाला भी अगर आप पॉइंट का यूज कर लोगे तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, क्योंकि O जो है वो साउथ देख रहा है, तो यहाँ पे M कहीं भी आए आपका S और M साउथ देखेगा, इसमें आपका O नॉर्थ देख रहा है, तो यहाँ पर आपका S जो है वो नॉर्थ देखेगा, O M भी नॉर्थ देखेगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पॉसिबिलिटी तो कट ही नहीं, सारे पॉइंट्स कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक। तो इसको मैंने एंड में इसलिए रखा है ताकि इस टाइप की गलती अगर आपसे दोबारा हो तो वो ना हो, मतलब दोबारा होने वाली हो तो वो ना हो पाए, क्योंकि जब भी आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो फिर अपनी मिस्टेक को बाद में देखते हो तो वो हमेशा याद रहती है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया। अब हम एक पॉइंट, एक लाइन ऐसी थी जिसको हम दोबारा पढ़ेंगे, वो लाइन कौन सी थी, इस वो लाइन ये है कि टी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन, ठीक, क्या लिखा है, टी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। टी जो है वो उस पर्सन के अपोजिट बैठेगा जो कि सेकंड टू द लेफ्ट है आर के, यानी कि टी के अपोजिट पर्सन आएगा। लेकिन आप जो फर्स्ट वाला डायग्राम देखोगे इसमें ये क्या है, टी के अपोजिट पर्सन तो आ ही नहीं रहा है, ठीक। यहाँ पे साफ कहा है कि टी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन, टी के सामने जो पर्सन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वी सीट वैकेंट है, इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी है ये कट हो जाएगी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। वैसे मैं ये चीज आपको पहले ही बता सकती थी, लेकिन फिर एक तरीके से मतलब नॉर्मल सा जैसे कि चीजों को पढ़ाते हैं वो बात हो जाती है, लेकिन अगर आप देखोगे लास्ट में जब मैंने इस पॉइंट को लेकर पॉसिबिलिटी काटी है तो आपको अभी ये चीज ध्यान रहेगी, ओके। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी उन्होंने तो इस चीज पे गौर दे दिया होगा पहले ही, मैं बिल्कुल जानती हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के, लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो लोग इस चीज को यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के जो पॉइंट आए उनको आप ध्यान से पढ़ो, और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ये ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं, फिर मेंस में आप उसी चीज पे अटके रह जाते हो, आपका टाइम निकल जाता है और आप यही सोचते रहते हो कि मेरे दो जो है वो डायग्राम बनकर आ रहे थे, ओके। तो दो डायग्राम कभी नहीं बनते हैं, थोड़ा सा बस पढ़ने में गड़बड़ हो जाती है, ठीक। तो
जो लाइन है उसको ध्यान से पढ़ा करो। क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने एज अ होमवर्क रखा है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और टी, एम और टी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? तो दो पर्सन बैठे हैं, ठीक, क्योंकि ये तो वैकेंट है, सो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर होगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग पेयर इज सिट अपोजिट टू वैकेंट, वैकेंट के अपोजिट कौन कौन सा पेयर है? तो एक आर है और एक एम है, सो एम और आर, सो ऑप्शन नंबर फाइव करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग इन द सेम रो, यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो सेम रो में बैठा है? तो एम और पी तो नहीं है, ओ और आर भी नहीं है, क्यू और एन, क्यू और एन भी नहीं है, टी और एस भी नहीं है, एन और आर, यस एन और आर जो है वो सेम रो में बैठे हैं, सो एन और आर सेम रो में बैठे हैं, सो ऑप्शन नंबर फाइव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आप इन्हीं जो तीन चार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, इन्हीं को आप जो जो मैंने डायग्राम कराया है आपको, उससे आप जाकर चेक करिए, तब भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके लिए रखा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर देती हूँ। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे दी एंड करते हैं, और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम आप तक लाते रहेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो LIC AAO के लिए होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।